नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। कौन बनेगा अमरावती का खास खासदार, इस महाचर्चा में हमारे साथ में शामिल है संजय मापले, परिमल साबिया और नितिन मोहन। कल सिटी न्यूज द्वारा एक पूरे विधानसभा वाइज एक सर्वे बताया गया था, जिसमें मात्र 7,000 वोटों से राणा की बढ़त दिखाई जा रही है। यदि अमरावती का 6 विधानसभा का सर्वे देखा जाए तो कई उस पर कमेंट्स आए कि कहीं का सर्वे थोड़ा सा कम है ज्यादा है। लोगों ने जो सर्वे में लोगों ने बलवंत वानखड़े को उसमें जहां हमने सोशल मीडिया पे पोस्ट की थी पसंद बलवंत वानखड़े की, यानी आम जनता का सर्वे, ये हमारा टेक्निकली सर्वे था जो हमारे प्रतिनिधि द्वारा किया गया था, लेकिन जनता जनता जो चाहती है, यदि हम जब सोशल मीडिया पे उसके कमेंट्स पढ़ते हैं तो लोगों का रुझान जो है वो पूरा का पूरा बलवंत वानखड़े की तरफ दिखा हुआ है। लेकिन ग्राउंड पे जो हमारे प्रतिनिधि ने और हमारे जो नियुक्त किए गए थे उन्होंने जो सर्वे निकाल के रहे उसके हिसाब से कल के हमने आपको पेश किए थे। कल बताया कि सर्वे का जो हमारा प्रकार था लोगों के हर तबके से नीचे से तबके के लेकर तक ऊपर व्यापारी और बिजनेसमैन तक सब लोगों से उसमें से जानकारी दी थी, उसमें सर्विस क्लास भी थे, सभी जातिगत लोगों को उसमें सम्मिलित किया गया। उससे ये रिजल्ट निकल के आ रहा है कि 5 से 11 लाख वोटों में मात्र 7,000 की बढ़त नवनीत राणा को बताई जा रही है। तो कभी एक भी इसमें 2% का भी फर्क पड़ा तो वापस पार्टी फर्क सकता। सर्वे जो था हमारे साथ में नितिन मोहन भी है, आगे जी भी है और ये भी है। आज हम ये एक चर्चा के बाद में वापस जातिगत समीकरण जो हमारा तैयार हो गया वो भी हम लोग करेंगे। किस प्रकार जातिगत समीकरण में किसको बढ़त बताई जा रही है, हमने उम्र के हिसाब से भी सर्वे किया, हमने महिला पुरुषों के हिसाब से भी सर्वे किया, सारे सर्वे का एक एक तरीके से आपके साथ में यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। अभी नितिन मोड़क कल के सर्वे में काफी उन्होंने कहा कि यह जो सर्वे है आपसे भले आपको लग रहा होगा कि नवनीत राणा आ रही, लेकिन उनका भी कहना है कि बलवंत वानखड़े सर्वे में कहाँ इनको लगता है कि आ रही है। मेरे साथ में परिमल जी, कल परिमल नहीं थे, कल मैंने और संजय ने परिमल जी कल का सर्वे हमने दिया, आपको क्या लगता है उस सर्वे में, आप सर्वे से कुछ नाराज से लगे, आपको नहीं लग रहा था कि इतने कम से वोट होता है, आपको लग रहा नवनीत राणा लाख दे लाखों को चाहिए, क्या कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए जो सर्वे आपने बताया उसमें लगभग 6,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के लोगों नवनीत राणा को आपने जीत लिया, पर जो अगर हम देखें अभी तक जो बाकी एग्जिट पोल के नतीजे है जो भी आए हैं उसके साथ मुझे लगता है लगभग 50 से 60 हजार के आसपास की लीड होनी चाहिए, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, हम लोगों ने जो घूमे हमने जो आत्मसंख्या उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि लगभग भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार लगभग मेरे हिसाब से 50 से 60। कहाँ आपको कहाँ लगता है, ये मेरे पास सारे सर्वे की लिस्ट है, कहाँ आपको लगता है दरियापुर में, अचलपुर में, मेलघाट में? मेलघाट में 1,22,250 वोट मिल रहे, जो लोगों ने सोशल मीडिया पे साफ नकार दिया इसको पूरा का पूरा नवनीत राणा। अचलपुर में 96,050% के आसपास वोट मिल रहा है, यहाँ पे 7% वोट मिल रहा है, क्या धार्मिक में 70%? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल इसमें तो मुझे धार्मिक सपोर्ट मानते हैं। देखिए जैसे आपने कल के इसमें तो मुझे ऐसा लगता था कि आपने तो अमरावती में भी काफी बलवंत वानखड़े को बहुत अच्छी लीड, तो सारा उसके पीछे हमने जो 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 सर्वे जहाँ के बताया उसके पीछे संजय ने पूरा उसका कारण बताया कि क्यों वहाँ पे कम है। नितिन जी क्या लगता है आपको कि जो अभी बता रहे कि 70% तक धारणी में वोट जाता है, आपके धारणी में संपर्क है, आपका ऑटो यूनियन है, पूरे जिले भर में आपके यूनियन के लोग बैठे हुए हैं? पहली बात तो एक ध्यान में रखो कि ये मतदार संघ में रामू पटेल, जोराम काले ये कांग्रेस के चुन के आए हुए, उसके बाद में कसदेकर और फिर बाद में राजकुमार पटेल जी जो है वो बच्चू कडू के पास से है, उसके पहले राजकुमार पटेल राष्ट्रवादी संघ। अब ये मत भूलो कि वो मतदार संघ में कांग्रेस का प्रभाव शुरू से है। अभी ऐसा है कि राजकुमार पटेल जो है कोरकू समाज यानी आदिवासी समाज से है और वो अंदर है वहां, और बच्चू कडू के जी के प्रहार से वो अंदर और प्रहार से दिनेश रूप पड़ा था, और प्रहार से दिनेश रूप पड़ा था, उन्होंने कुछ ना कुछ तो राजकुमार पटेल के चाहते लोग होंगे जो दिनेश रूप की तरफ सिटी की तरफ वो लोग गए, और जो पारंपरिक जो वोट है कांग्रेस के वो कांग्रेस के पास गए। और जो बीजेपी को लास्ट टाइम आप देखेंगे तो मेलघाट में लास्ट टाइम नवनीत राणा जी पीछे थी, हालांकि चुनके आए लेकिन पीछे थी, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मेलघाट में पूरे के पूरे वोट बीजेपी के पास गए। सर्वे मैंने लिया है जो जो वहां का गौड़ी समाज है वो 70% बीजेपी की तरफ गए इतना पक्का है, लेकिन जो राहुल गांधी जी की जो सभा हुई उसमें
उससे इतना वहाँ पे बूस्ट मिला कि वहाँ पे आदिवासी लोगों में 50% जो वोट है वो टोटल वानखेड़े के पास चले गए और 30% जो वोट थे वो बुक के पास चले गए, 20% कुर्कू समाज के वोट उनको मिलेंगे तो मिलेंगे। इसके लिए मेरे को लगता है धारणी में तो और क्या 50% वोट भी आप धारणी में जहाँ 5 साल तक लगातार नवनीत राणा उस मतदार संपर्क जातिवादी समीकरण जान दीजिए, कांग्रेस के समीकरण जान दीजिए, एक लोगों को तो अटैचमेंट वहाँ पे लोगों का नवनीत राणा का रहा, क्या उस हिसाब से 50-60% को रिजर्व नहीं करते? देखो वहाँ पे दो चीज है कि एक तो अटैचमेंट पेट के साथ होना चाहिए, पेट के साथ में अटैचमेंट 10 साल में उन्होंने देखा ही नहीं पाच कि भाई हमारे को पेट में कुछ मिला, एक 5-1 किलो राशन मिला कभी दिवाली के टाइम में, उसके ऊपर है तुम्हारा पूरा अनुमान नहीं लगा सकते। दूसरी बात ऐसी है कि होली मनाना ये मनाना इससे तुम वोट को अपनी तरफ कन्वर्ट करोगे ये मेरे को नहीं लगता। अभी कुर्कू भले आदिवासी हो कुछ भी हो आज पढ़े लिखे हो गए, आज मैंने देखा 500 किलो नोट कोई ले भी ले रहे या कोई दारू के आमिष में आ भी जाएगा लेकिन मन से वोट करता, ये मेरा अनुभव है। मैं 7 इलेक्शन ये लोकसभा के मैं लड़ चुका हूँ, मैंने पार्टिसिपेट किया हूँ 4 इलेक्शन अनंतपुरे के, 1 अड़सू का और 2 अनौली राणा, मैं तन मन धन के साथ में था उनके साथ में, तो मेरे को उसका एक्सपीरियंस है और ये अभी बहुत बदलते जा रहा है समीकरण। आपने कल कहा कि 30% वोट में कि वहां पे कांग्रेस के लीडर नहीं है करके उनको 30% वोट लगा, किस आधार पे कांग्रेस की यहां पे, जैसे बता रहे कि कांग्रेस की वहां पे ऑलरेडी वोट बैंक है पहले ये सारे कांग्रेस के थे, कांग्रेस के लीडर वहां से क्यों खत्म हो गए? नहीं कांग्रेस चे नेते तो संपले नहीं पण ज्या ठिकाणी सर्वमान्य नेते, कारण की तिथे केवलराम काळे आमदार होते, त्या केवलराम काळेंनी भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश घेतला, आता त्या ठिकाणी हल्ली राजकुमार पाटील या ठिकाणचे विद्यमान आमदार आहेत जे बच्चू कडूंच्या प्रहार संघाच्या सोबत जोडलेले आहे, आणि म्हणून सर्वमान्य जो नेता धारणी भागामध्ये पहिले जे नेते होते काँग्रेसमध्ये ते नेते आता सर्वमान्य तिथे नेते राहिले नाही, आणि हा जो सर्वे सिक्कीनूच्या माध्यमातून केला गेलेला आहे हा सर्वे सिक्कीनूच्या टीमने केला, आम्ही तर याच्यामध्ये होस्ट आहे जे आम्ही या ठिकाणी आम्ही जी भूमिका काल खऱ्या अर्थाने आपण चॅनलच्या माध्यमातून सर्वेच्या माध्यमातून जे मांडण्यात आम्ही प्रयत्न केला, पण तरी माझं असं मत आहे की जे आपण त्या ठिकाणी आपण जे व्होटिंग सांगितलं की 61,000 जी लीड आहे ती लीड नवनीत राणा घेणार, या संदर्भात काल आपण जी चर्चा केली त्यामध्ये कालपासून मला रात्री 1:30 मला जे फोन आले, तुम्हाला पण फोन आले या विषयांवर, तर मला विशेषतः मेळघाट आणि चिखलदरा भागातले मला फोन होते आणि त्यांनी मला सांगितलं की सिटी न्यूजनी केलेला सर्वे हा बरोबर आहे, सर्वेमध्ये चूक नाही आहे, पण जे 61,000 मताची जी लीड जी भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवाराला दाखवली त्याच्यामध्ये आम्ही कन्फ्यूज आहे। म्हणजे नितीन भाऊ तसं सांगितलं की मागच्याही निवडणुकीमध्ये म्हणजे ज्या ठिकाणी एक देशातलं असं उदाहरण होतं की एवढ्या मोठ्या सगळ्या मोदी साहेबांची लाट असल्यानंतरही अमरावती लोकसभेमध्ये नवनीत राणा अपक्ष कॅन्डिडेट म्हणून निवडून आले, इव्हन त्या भारतीय इव्हन त्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या समर्थनेच्या उमेदवार होत्या, आणि अशाही परिस्थितीमध्ये मेळघाटाने मेळघाट म्हणजे 10,000 मतांनी त्या मागे होत्या, आणि आता जी परिस्थिती आहे त्याच्यामुळे जे 61,000 मताची जी लीड आहे त्या लीडमध्ये आपलं आपण आपल्या सर्वेक्षणामधली खऱ्या अर्थाने लीड आहे, परंतु ज्या आता ज्या फोनद्वारे तिकडे ज्या उमेदवारांनी काही चर्चांनी नाही चर्चा मला ऍक्च्युअली काही भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्त्यांचे फोन आले, काही आपल्या काँग्रेस पक्षाचे काही जे न्यूट्रल रोकर राहतात जे खरे खऱ्या फक्त मदत त्यांचं असं म्हणणं पडलं की खरोखर 61 लीड आहे तर ते ऍक्सेप्ट करायला तयार नाही, पण मी चिखलदऱ्याबद्दल काल बसो बोललो होतो की चिखलदऱ्यामध्ये बळवंत वानखेड्यांना चांगलं मतदान मिळणार आणि मेळघाटामधले जे म्हणजे धारणीचा परिसर असेल धारणीच्या आजूबाजूचा परिसर असेल इवन अचलपूर संपलं म्हणजे अचलपूर नंतरचं पहिलं गाव आपण सांगतो बिहाली लागतं, म्हणजे आणि बिहालीपासून खऱ्या अर्थानं मेळघाटचा मतदारसंघ खऱ्या अर्थ सुरू होतो, आणि म्हणून बिहाली हा जो म्हणजे पहिलं गाव आहे बिहाली गाव आहे त्या मतदारसंघामधलं, आणि म्हणून जे 61 लीड दाखवलं त्याच्यामध्ये सर्वेमध्ये दाखवलं मला मान्य आहे, म्हणजे सर्वे आपण केलेला आहे आपल्या प्रतिनिधींनी केलेला आहे त्याच्यामध्ये आपण सर्व घटकातले लोक आपण त्याच्यामध्ये चर्चेमध्ये समाविष्ट केलेले आहे, परंतु तो जो लीड आहे तो लीड अधिक दाखवला
असं आपण जे काल चर्चा केली त्या चर्चेमधला आनंद मला असा वाटला की कमीत कमी त्या विषयांवर जे लोक सभेमध्ये बोलले नसतील, जे ज्या लोकांनी सभेमध्ये आपली भूमिका मांडली नसेल, ते लोक फोनच्या द्वारे सांगतायत की बा ही जी लीड आहे ही इतकी लीड अपेक्षित नाही आहे. मग निदानाच्या कशी कशी लीड अपेक्षित आहे? मग त्यांनी सांगितलं की 50% जे मतदान आहे, म्हणजे मेळघाट मतदारसंघामध्ये दिनेश बोबला 5-7% मतदान मिळणार. दिनेश बोब को कम बता रहे हैं. हाँ, दिनेश बोबला राजकुमार पटेल का मतदार संघ है वहां पर. राजकुमार पटेल जैसे बताया कि कोकू जाति के भी और कोकू के भी मत कांग्रेस के तरफ वहां पे कन्वर्ट हुए हैं, कुछ सिटी को तो वो मतों का वहां पे बंटवारा हुआ है. अब आप बता रहे कि ये लीड भी आपको माननी है, 60% भी आपको माननी है, 60% ऊपर. पिछले 10 सालों से हम देख रहे हैं कि आज भी मेलघाट में कुपोषण कायम है, आज भी पीछे नहीं है, आज भी पानी के लिए वहां 10-10 किलोमीटर चलना पड़ता है. ऐसे में पिछले 5 साल से लगातार नवनीत राणा वहां के संपर्क में. ये जो सारी बेसिक समस्या, इस समस्याओं को देखते हुए भी क्या सिर्फ मोदी के नाम पर वोट देकर लोग नवनीत राणा को मत कर रहे हैं? ऐसा है कि एक प्रश्न ऐसा उठता है कि इसके पहले भी सारे सांसद रह चुके हैं विभिन्न विभिन्न पार्टी के, चाहे वो आनंद राव अड़सुल रहे हो, अनंत गोरे रहे हो, या उसके पहले ये कितने लोग मेलघाट सर कभी इन्होंने मेलघाट में कितने इनके विजिट्स एक होता है ना पुराना छोड़ो ना, हमें पीछे 5 साल की बात कर रहे हैं. पुराने नहीं किए कर तो नवनीत राणा चेंज हुई ना, उसी से जोड़ो, उसी से जोड़ो. यदि नहीं होता तो नवनीत राणा चुनकर ही नहीं सब लोग काम कर लेते. उसी से जोड़ो कि जो जो एक आपका सांसद आपको 5 साल लगातार आपके हर सुख दुख में विजिट है, तो कहीं ना कहीं एक वो फैमिली रिलेशन टाइप का भी बता. मुझे ऐसा लगता है एक आदिवासी समाज एक ऐसा समाज है जो बहुत जल्दी किसी चीज को अगर एक्सेप्ट करता और छोड़ता नहीं है, जो आमतौर पर देखा जाता है उस समाज को. तो इसलिए मैं उस आधार पर कहा था कि एक भावनात्मक रिश्ता तैयार, भावनात्मक रिश्ता शायद हम शहरी लोग उतने उस तरीके से परस्यू नहीं करते, लेकिन जो गांव के खासकर आदिवासी वो उसको बहुत अच्छे तरीके से परस्यू करते. क्या लगता है इतने भावनात्मक रूप से लोग अपनी सुविधाएं छोड़ देंगे और जातिगत समीकरण एक मिनट सुविधा क्या करते इसके पहले सुविधाओं के नाम पे क्या कौन से पहले का नहीं लोगों ने किसी चीज के बदलाव जब होता है बदलाव जब होता है कोई भी चीज तो कुछ चीजों से प्रधानमंत्री आवास योजनाओं में घर मिले वहां पर मैं का बदलाव है. अब एक दिन में या 5 साल में पूरा बदलाव मुझे नहीं लगता कि आना पॉसिबल है. जैसे कि 10 साल अगर हम कहें मोदी सरकार को भी 10 साल में आप ये नहीं करेंगे पूरा चेहरा मोहरा बदल जाए, तो एक समय देना होगा. वो अलग विषय मैंने वही कहना नहीं तो आप ये मत बोलो कि लास्ट टाइम जो नवनीत जी को वोट दिया था वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी की कैंडिडेट थी. पार्टी वाइज जो हो रहे हैं जो प्रभाव है पार्टी का है. वो अचानक उन्होंने पार्टी बदल लिया तो वोटर वो पार्टी की तरफ जाने जैसा बड़ा काम उनका कुछ नहीं है. अभी आपने व्यक्ति के नाम पर वोट नहीं पड़ता, पार्टी के नाम पर सारा जो पिछली बार के जो पार्टी के वोट जो शिवसेना का अमरावती में क्या ये तो सबको पता है. नहीं आप यदि मानते हैं शिवसेना का यहाँ पे असर है यहाँ पे तो फिर तो आपके हिसाब से 70-80% हो जाएंगे. लेकिन मैं तो मैं ये कह रहा हूँ वहाँ पे अगर आप 40% भी अगर बीजेपी के 40% पकड़ा तो कम से मुझे लगता है 5 साल में 10-15% तो खुद के मुझे लगता है नवनीत राणा की अपना एक वोट बैंक बनाया होगा और 10-5% हमको शिंदे के लिए नहीं होंगे क्योंकि शिवसेना शिवसैनिक है. आप मुझे कहोगे ये शिवसेना इधर चलेगी ये इतने जल्दी दो स्प्रिंट जो होगा इतना आसानी से होने वाली चीज 140 किलोमीटर दूर रह के वोट बैंक बना नहीं सकते आज के डेट. वहां पे आप देखो कि एक गांव इधर है तो 5-6 किलोमीटर के बाद में दूसरा गांव है, ज्यादा से ज्यादा 300-400 वोटर के गांव है. आप वोट बैंक वहां पे बना ही नहीं सकते. वहां पे आपको सुविधा देनी पड़ती है और सुविधा नहीं दिया बोल के विरोधी पक्ष ने टाइम बहुत अच्छा प्रचार किया है. राहुल जी के टाइम से राहुल जी की जो सभा हुई वहां से पूरा जनमत बदला है. ये मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको और जो एक्सपेक्टेशन आप रख रहे हो उसमें आपकी बिल्कुल मैं बोलता हूँ ज्यादा से ज्यादा 40% वोट मिलेंगे तो मिलेंगे, बाकी 50% वोट राहुल गांधी के लोग राहुल गांधी को अगर मुझे सुनना जैसे राज ठाकरे साहब के साथ होता है ना लोग सुनना बहुत पसंद करते हैं वोट नहीं देते. लेकिन वही मैं कह रहा हूँ
नहीं, राजू राहुल गांधी की सीटें खड़ी है, राहुल गांधी एक राजनीतिक नेता है और राज ठाकरे साहब कई सब सभा में लेके बाकी लोगों का सिर्फ एनएलए से टिकट अपने वाला काम करता है, अगर देश की जनता की हम बात करें तो कितना सीरियसली ग्राउंड में जाके नहीं कह रहा, 2014 2019 में सीरियसली लिया कि नहीं लिया मालूम नहीं है, लेकिन सिंपति तो गेम किया है, इतना पता है। सिंपति किस विषय पे मिली है? लोगों ने डेफिनेटली देखा कि जाके पद यात्रा निकलते है, लोगों को मिलता है, लोगों के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवालों को जवाब देता है। मोदी जी ने पूरे 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। देखो मनमोहन सिंह जी हर महीने को करते थे, यानी वो लोगों को एक सिंपैथी है कि मुझे ऐसा लगता है कि उनका डायरेक्ट कनेक्शन है जनता से। मुझे ऐसा लगता है वो प्रेस के माध्यम से, अगर आप देखिए जनता के प्रति उनके, अभी मैं कई उनके इंटरव्यू, कई लोगों के इंटरव्यू देख रहा था, खास जहाँ से उनकी पद यात्रा निकलती है, जहाँ भी उनके रोड शो होते हैं, वहाँ देखिए जिस तरह का अपार जन समुदाय। फिर अगर हम सिर्फ अगर समुदाय और एक भीड़ को अगर मानक मानते हैं, आपने जो बोला लोगों को सुनना कंपलसरी है, वापस किसी को पूछता है जवाब देना उसके पास में आपके प्रयोजन नहीं है। जो राहुल गांधी ने किया, नितिन भैया प्रश्न ये था कि हम हर बार पार्टी जातिगत समीकरण और वहां की बेसिक मूल समस्याओं के आधार पर जो समस्याओं का हमारा सोल्यूशन करेंगे, इसके आधार पर वोट क्यों नहीं मांगे जाते हैं और इसके आधार पर वोटर वोट क्यों नहीं देता, कहां उनमें कमी पड़ रही है। आज भी हम देखते हैं कि बेरोजगार समस्याओं से जूझ रहा, पानी की समस्या आज भी उनके पास में, बिजली की समस्या आज भी उनके पास में, समस्याओं को जनता को भी जिम्मेदार समझता हूँ कि अगर मैं लास्ट टाइम देखो आपने कि मेरे ऊपर एक केस जमा हो गई, यूरिया ब्लैकमेलिंग कर रहे थे, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे, तो मैंने एक यूरिया वाले को पकड़ी थी, गुना मेरे ऊपर दाखिल हो गया, मैंने पेपर में आह्वान किया, काफी एरिया वालों के ऊपर एक्शन भी हो गई। लेकिन कोई, मैं तो नेता हूं नहीं शेतकरी का, लेकिन किसानों का नेता अगर कोई बोलता है कि मैं मोर्चा निकाल रहा हूँ फलाना फलाना के लिए, तो जो ओरिजिनल किसान है वो आता नहीं। जैसे पंजाब हरियाणा के किसान कैसे जमा हो जाते, वैसे यहाँ के किसान को जनता की निष्क्रियता भी बहुत बड़ा कारण है, जिसके कारण जातिगत समीकरण और पार्टी पे डिपेंड रहना पड़ता है। जनता की निष्क्रियता है, एक चर्चा में निकली, यदि जनता सक्रिय हो जाए, अपनी समस्या अपने नेता तक पहुंचाने की कोशिश करे और नेता भी उनको समझने की कोशिश करे, तो शायद मत मांगने का तरीका अलग होगा। लेकिन हमारा ऊपर से एक मैनिफेस्टो चलता है जो नीचे तक एक तरीका चलता है, क्योंकि अमरावती में हमने देखा कि भाई आप नवनीत राणा को नहीं मोदी जी को वोट दो, लोगों का कई बार ऐसा समझो कि मोदी जी खड़े, जब तो पांच साल के जो नवनीत राणा के प्रयास है उनको बुलाने का प्रयास किया जा सकता। और जहां तक अभी परिमल ने कहा था कि जनता से सीधा संपर्क मोदी जी का, सीधा संपर्क जो मीडिएटर है 543 लोग, क्या इनकी मोदी जी को आवश्यकता नहीं है? या आने वाले 2029 में, अभी तो जैसे सरकार बनती थी 2029 में, क्या किसी की जरूरत नहीं रहेगी एक पार्टी के लिए इलेक्शन होगा? यह सोचने की बात है। हम आते हैं अचलपुर मतदार संघ पर। अचलपुर मतदार संघ में भी हमने कल करीब 50% वोट दिया था नवनीत राणा को, बलवंत वानखड़े को 35% वोट दिया था, और दिनेश गुट्टू की प्रहार का मतदार संघ से 10% को, अन्य को 5% ऐसे लगा था। यहाँ का भी करीब करीब मतदान का जो रुझान था, क्योंकि शहरी क्षेत्र ज्यादा है और हिंदुत्व का प्रभाव वहाँ पे बीच में सभा ये भी होती है, और अमरावती में जब यहाँ पे प्रदीप मिश्रा का था, बरवाड़ा के लोग भी काफी, तो हिंदुत्व से जुड़ा हुआ क्षेत्र है शहरी क्षेत्र में हर जगह, और वहाँ पे भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र भी, जहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र होते हैं वहाँ पे हिंदुत्व थोड़ा एक होने की कोशिश करते हैं। क्या फर्क पड़ता है मतदान? नहीं, अभी हिंदुत्व का तो फर्क ऐसा है कि सर पे रोज श्री राम हनुमान चालीसा, ये तो इसका मैं पर्सनली मैं इसका बहुत खिलाफ हूँ। प्रदीप मिश्रा जैसे लोगों का आप देखो, वैसे कि मराठी लोग उसमें बहुत कम, और मराठी की पॉपुलेशन वो एरिया में बहुत ज्यादा है। आज आप देखो प्रदीप शर्मा हो या इधर अमरावती में प्रदीप, उसकी ऑर्गेनाइजिंग कमिटी में आप कितने महाराष्ट्र थे वो देखो, और प्रदीप शर्मा जो बोलेगा मैं बेलपत्र चढ़ाता हूँ ये चढ़ाता हूँ, उसके ऊपर आपको वोट मिलना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात ऐसी है कि वहाँ पे अचलपुर में जो है कि मुस्लिम एरिया बहुत है, अचलपुर एरिया में ब्राह्मणवाड़ा, करजगांव, सिरसगांव, आपका अचलपुर, परतवाड़ा, यहाँ पे मुस्लिम एरिया ऑलमोस्ट
40% मुस्लिम वोटर्स है। और लास्ट टाइम मैंने जो इलेक्शन नवनीत जी के साथ में था तो वहां पे कुछ कुछ बूथ पे 99% वोटिंग जो वोट हुआ, समझो 100 वोट हुआ होगा तो उसमें से 99 वोट जो है नवनीत जी के खाते में गए और उस टाइम में 60% वोटिंग हुआ था। ये टाइम में 72% वोटिंग मुस्लिम एरिया में हुआ है। 10-10 बजे तक वोटिंग चल रहा था। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने उनको इतना डरा दिया कि वो लोग एक हो गए और एनआरसी है अपना, उसके बाद में तुम्हारा तलाक 370 वो चीजों से वो लोग इतने नहीं तो कभी नहीं तो इतने एक हो गए, डर गए। डर के मारे उन्होंने इतना वोटिंग किया, जुम्मे का दिन था, उस दिन फ्राइडे का दिन था तो भी वो लोगों ने इतना जोर से वोटिंग किया कि अब जो बोलते ना वो एरिया में मेरे को हिसाब, मेरे हिसाब से 60% वोटिंग जो है वो पांकड़े को गया। पूरे टोटल मतदार संघ में 60% आप बता रहे मोदी के। देखिए बबलू देशमुख आपको क्या हमेशा का 3 साल 3 बार वो चुनते चुनाव लड़ा हुआ है बच्चू जी के खिलाफ जी। तो वे टाइम उन्होंने, मैं खुद गया था ना, तो उन्होंने इतना कांग्रेस वालों ने काम किया क्योंकि कांग्रेस वालों को मैं आपको बताता हूँ ये सब मतदार संघ में ये बात आएगी कि कभी कभी नहीं तो जैसा कोई कांग्रेस वाला जिला परिषद की आस लेके बैठा होगा, कोई कांग्रेस वाला पंचायत समिति की आस लेके बैठा होगा, कारपोरेशन की आस लेके बैठा होगा, नगर पालिका सदस्य की आस लेके बैठा होगा कांग्रेस वाला, उसको मालूम है ये टाइम अगर कांग्रेस की सीट गिर गई तो मेरा ये सपना भी कभी पूरा नहीं होगा। बीजेपी वाले भी आस लेके बैठे होंगे। नहीं तो बीजेपी वालों को ये मालूम है ना, अभी देखो उसमें कैसा फर्क है, आपको आपके सवाल बहुत अच्छा है कि उसमें वो लोग आस लेके बैठे, खत्म हो गया कांग्रेस हार गई तो ये मेरा सपना पूरा हो जाए, बिल्कुल अधूरा रह जाएगा। इसके लिए कभी नहीं तो वो लोग एक हो गए। बीजेपी में क्या हुआ था, ये बाहर से आई थी, ये जो कैंडिडेट थी वो बाहर से आई थी और जो लोग बीजेपी के ये आस लगा के बैठे थे जिला परिषद की और इसकी, उनको मालूम है कि अगर ये जीत के आई तो रवि राणा और नवनीत राणा ये शहर में, ये जिले में पूरे भारी पड़ जाएंगे और इनका संबंध मोदी जी से और जो हाईकमांड है अमित शाह से इनका डायरेक्ट संबंध है। बाकी अमरावती के जो लोकल लीडर है उनको इनके उनके पास जाने के लिए चारा नहीं है, वो लोग डायरेक्ट प्रवीण जी कोटे हो गए या ये लोग डायरेक्ट मोदी जी के पास अमित शाह के पास जाने से तो इतनी पावरफुल हो जाएंगे। जो कार्यकर्ता की कनेक्टिविटी है जो नवनीत राणा की सीधी मोदी जी के साथ है तो इसके लिए इनको लगा कार्यकर्ता की, इसके लिए इनको लगा कि ये लोग इतने हावी हो जाएंगे पूरे जिले में सारी टिकट मांगने के लिए भी नवनीत राणा। यानी आपके हिसाब से स्थानीय बीजेपी ने भी नवनीत राणा का बिल्कुल काम किया नहीं, विरोध नहीं किया तो काम भी नहीं किया, काम भी विरोध कर नहीं सकते काम बिल्कुल। कितना सहमत आप इन बात से कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है अपना अस्तित्व को बचाने के लिए कि हमारे भी कुछ पूछ परख रहे उसमें नवनीत राणा का काम नहीं करेंगे? देखिए जो लोग राणा दंपति को समझते हैं जानते हैं वो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी बेवकूफी करेंगे क्योंकि इनकी जो कार्यशैली है ये सर्वविदित है कार्यशैली, इनकी जो कार्यशैली है वो रिवेंज वाली, एक होता है ना कि एक बहुत किसकी रिवेंज वाली राणा दंपति की, इनकी इनकी जो कार्यशैली है रिवेंज वाली है। अगर अगर कुछ ऐसा होता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये समझ लीजिए एक चीज की अगर नवनीत हारती है हम एक समझ लीजिए तो इसका ठीक रहा क्योंकि ऊपर से आई हुई थी तो हो सकता है राज्यसभा से भी वापस चले जाए लेकिन उसके बाद जिस तरीके से ठीक होगा मुझे लगता है कि बीजेपी वाले इतने या तो इतने बेवकूफ नहीं है यहाँ पे लोकल लीडर, उनको पता है कि अगर हमने ऐसा कर लिया तो आने वाला उनका सारा भविष्य या जो उनका जो आगे का फ्यूचर है। आपके हिसाब से नवनीत राणा आती है तो यहाँ के लोकल बीजेपी वाले कार्यकर्ता ये नहीं डरते हैं बदला है ना डर वाली बात होगी मदद की है मुझे सीधी सिंपल बात है कि आप जो बीजेपी के लीडर लोकल ले रहे हो जैसा प्रेम कोटे यहाँ का अध्यक्ष है वो विधान परिषद वाला है उसका कोई जनसंपर्क नहीं है, जिसका जनसंपर्क है जो नवनीत जी के साथ में प्रामाणिक जो था वो थे अनिल बोंडे के, उनका मतदार संघ वहां पे है वर्धा मतदार संघ, बाकी पाटुरकर या तुम्हारे तुषार भारती वो साईनगर तक तो है ना, उनका ऐसा पूरे जिले में ऐसा संपर्क है नहीं कि जो काम करेगा और चुन के आएंगे वो अपने मोदी जी का चेहरा लगा के और नवनीत जी का चेहरा लगा के जो भी वोट मिल जा रहे वही मिल जा रहे, बाकी कोई फडणवीस का चेहरा लगा के या तुम्हारे जगदीश गुप्ता का चेहरा लगा के उनको कहने का मतलब कि जो अमरावती में बीजेपी के वोट है सीधे मोदी
हिसाब से जो इम्पैक्ट है उनको उनके वोट भी नॉमिनेट कराने के लिए और जो प्रयास करके लाए जाते हैं लोकल कार्यकर्ता के प्रयास करके लाए जाते हैं उसमें उनकी कोशिश नदारद रही, उन्होंने कोशिश नहीं की तो बीजेपी ने कोशिश नहीं की क्योंकि बीजेपी का कैडर वोट है, कोई भी खड़ा है उसमें जाके वोट करना है। लेकिन और कुल मिला के मुझे लगता है मतदान संघ में पार्टी सब पार्टी मिला के वोट 40% से ज्यादा नहीं रहते पार्टियों के, बाकी 60% जो वोट होते हैं आपको कन्वर्ट करने पड़ते हैं। ये काम कार्यकर्ता करता है, यदि इसमें कार्यकर्ता का अभाव है तो ये 60% जिसके पास कार्यकर्ता है आखिरी दिन घर से ला के वोट तक पहुंचाने का काम भी उसमें भी 10-20% लोग पलट जाते हैं। तो ऐसी स्थिति देखिए तो कार्यकर्ता विहीन और सारे ये चीज की यदि यंत्रणा नहीं रही तो निश्चित रूप से वोट पर फर्क पड़ता है। ये एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद अब अभी दो मतदार संघ की और भी उसके साथ बाकी भी चर्चा चल रही थी कौन जीतेगा कौन हारेगा उसके पीछे कारण क्या होंगे, कारण का हम यहाँ पे विश्लेषण करते हैं कि वोट सब पेटी में बंद है, हमारे बोलने से किसी के मतदान पे फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन हकीकत क्या है कि भाई आज हम बोलते कि चुन के वो आएगा तो हमारे बोलने से चुन के आने क्योंकि वोट परिवार का कहना है कि भाई वोट 4 तारीख को मालूम पड़ेगा, आप चाहे कितने वोट मोमेंटन ने वोट उनको दिया नहीं दिया ये 4 तारीख को पता लगेगा, कौन सी पार्टी ने वोट दिया नहीं ये सब 4 तारीख की एक संभावित समारोह क्योंकि एग्जिट पोल हो रहे पूरे देश में 400 तक सीटें बताई जा रही है कुछ 250 तक भी बता रहे हैं, लेकिन ये सब चीजें 4 तारीख को फिटिंग होने का ये तो सारी संभावना पे विचार हम कर रहे हैं कि किस पार्टी का किस समाज का किस तबके का इसकी क्या जरूरत थी और क्या पूर्ति किस लीडर के माध्यम से इन सारी चर्चा उस सारी चीजों में चर्चा मिलकर बीजेपी का लोकल कार्यकर्ता नाराज था और परिमल का कहना कि राणा दंपति का जो कार्यशैली रिवेंज लेने वाली है उस डर से यदि कार्य करना है उस डर को बचाने के लिए कार्य करना दोनों चीजें नुकसान दे करके एक छोटे से ब्रेक के बाद पुनः वापस आपके पास आते हैं और बाकी 4 मतदार संघ और कई कारण अमरावती के ऐसे जो इस लोकसभा क्षेत्र में चाहे विकास का मुद्दा हो धार्मिक मुद्दा हो या यहाँ का स्थानीय मुद्दा है या जो भी क्षेत्रीय मुद्दा हो क्या फर्क पड़ेगा विधानसभा हम सिर्फ मात्र चर्चा है लेकिन कहीं ना कहीं ये चर्चा सारी जनता की चर्चा है कि वोट देते समय जो लोगों ने उस समय भी हमारे प्रदीप जी के कान लगे वोट देते समय लोग क्या बोलते जाते समय क्या बोलते और वोट देने के बाद में अभी भी कई लोग वोट देने के बाद में एक्चुअली 60% लोगों को किसी को फर्क नहीं पड़ता चाहे कोई भी क्या करना पड़ता उनका जो काम चल रहा है चल रहा है छोटे से बेटे का चुनाव आपका।